नमस्कार, आइए बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज पूरे यूपी से चुनाव से जुड़ी कई सारी बेहद बड़ी खबर आ रही है, तो अगर आप यूपी के किसी भी जिले से रहते हैं तो इस खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। पूर्व मुख्य विकास अधिकारी आए अखिलेश यादव के साथ, सपा में शामिल होते ही प्रदेश कार्यकारिणी में नामित। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर अवधेश बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा है। अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने सपा प्रदेश कार्यकारिणी में आशीष कुमार गर्ग बदायूं को सदस्य नामित किया गया है। आनंद सिंह यादव, नवाब सिंह यादव, प्रदीप कुमार सिंह व हाजी गजनफर अलवी को विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव लड़ चुके नेताओं के जब्त होंगे 1.5 करोड़ रुपए, जानिए वजह। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले नेताओं की ओर से जमा जमानत राशि के करीब 1.5 करोड़ रुपए जब्त होंगे। चुनाव समाप्त होने के करीब 6 माह बाद भी पंचायत के नेताओं ने चुनाव खर्च का हिसाब नहीं दिया है, जमानत राशि के पैसे वापस लेने के आवेदन नहीं किए हैं। अब नियमानुसार चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देने वाले प्रत्याशियों के जमानत राशि के पैसे जब्त होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, लखनऊ में बसपा मुखिया मायावती के घर पहुंची राज्यपाल आनंदी पटेल, मां के निधन पर शोक जताया। जी हां, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की मां रामरती देवी के 13 नवंबर को चल बसने पर शोक जताने वाले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल ने उनके घर पर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल आनंदी बहन पटेल ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लखनऊ में गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के घर का रुख किया। लेते हैं अगली बड़ी खबर, एक तीर और कई निशाने, सपा के 4 MLC से जातीय गणित भी साधेगी बीजेपी। जी हां, आपको बता दें कि चुनावी मौसम में समाजवादी पार्टी के 4 MLC तोड़कर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ पार्टी ने बीजेपी विधायक राकेश राठौर को सपा ज्वाइन कराने का हिसाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बराबर किया, तो दूसरी तरफ अपने जाति समीकरण भी दुरुस्त किए हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सपा छोड़ भाजपा में आए इन 4 मौजूदा विधान परिषद सदस्यों में बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू, गौतम बुद्ध नगर से नरेंद्र सिंह भाटी, गोरखपुर से सीपी चंद और झांसी से रमा निरंजन शामिल हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर, जब चित्रकूट में प्रियंका गांधी बोली, ऐसे तो आपके पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी धारा में बने मंच से बुंदेलखंड की महिलाओं के साथ कांग्रेस की यूपी प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने संवाद किया। योगी सरकार पे हमला बोलने के साथ विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक की प्लानिंग बता डाला। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में आधे टिकट महिलाओं को देगी। हंसी मजाक में प्रियंका ने कहा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप घर में जाकर पति से ही लड़ जाएं, ऐसे तो आपके पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड की बारी, भाजपा की उम्मीदों को बुलंद करेंगे पीएम मोदी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और बुंदेलखंड के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर पार्टी अभियान में जुटी है। पीएम मोदी पिछले 1 महीने में 3 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 में से 115 सीटें जीतने वाली भाजपा ने बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 19 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार दोनों इलाकों में जबरदस्त घमासान होने के आसार हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बनी सोनम, अखिलेश को दिया श्राप, कहा सत्ता में नहीं आएंगे कभी। दरअसल बता दें कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित किन्नर कल्याण बोर्ड में लखनऊ की सोनम चिश्ती को उपाध्यक्ष बनाया है। सोनम कुछ महीने पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। इनके अलावा 4 किन्नर सदस्य भी नामित किए गए हैं। इनमें प्रयागराज की कौशल्या, नंदगिरी उर्फ टीना माँ और गोरखपुर की किरण बाबा, जौनपुर की मधु उर्फ काजल व कासगंज की मोहम्मद आरिफ पूजा किन्नर शामिल हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर, सपा के खाते में आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से 6 और रालोद के खाते में 3 सीटें। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर लड़ेगा। दोनों पार्टियों के मुखिया कई मंच पर इसके संकेत दे चुके हैं। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी के अनुसार आगामी 21 नवंबर को सपा रालोद गठबंधन की घोषणा हो सकती है। इसके लिए पूरा मसौदा तैयार हो चुका है। इस गठबंधन के होने से दोनों
दोनों पार्टियों के आगरा के कई दावेदारों को कुछ सीटों पर झटका लग सकता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर सकते हैं पीएम मोदी। हिंदुत्व के मुद्दों को देंगे धार, बनाई ये रणनीति। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा के यूपी मिशन का केंद्र इस बार काशी रहने वाला है। अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस काशी के विकास मॉडल पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए भाजपा प्रदेश को दूसरा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रधानमंत्री मोदी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पार्टी दिव्य काशी भव्य काशी के तहत पूरे एक माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर सकती है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ व पुष्कर सिंह धामी की चंद मिनट की बैठक में निपटा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड का 21 वर्ष पुराना विवाद। जी हां, आपको बताने की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच में 21 वर्ष से जो मामले लंबित पड़े थे उन पर अब सहमति बनी है। हमारे सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि पर दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से सर्वे होगा। इसमें से जो भी जमीन उत्तर प्रदेश के काम की है उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी, बाकी हम ले लेंगे। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्रेम पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के। और प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।